स्टूडेंट्स वेलकम टू आर्यत पढ़ाकू आज से स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस सो आज से हम स्टार्ट करेंगे लेसन वन और लेसन वन है हमारा रियल नंबर ओके सो स्टूडेंट सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पर ध्यान नहीं देना है दैट मीन्स सी बी एस ई ने कौन सा टॉपिक डिलीट किया हुआ सो डिलीटेड टॉपिक है आपका यूक्रिय डिविजन लेवा ओके ना स्टूडेंट्स यूक्लियस डिविजन लेमा कोई बहुत ऐसा टॉपिक नहीं था जिसे जिसे हम कहें बहुत डिफिकल्ट था बेसिकली सिर्फ टेंथ क्लास में इसका नाम चेंज कर दिया गया है आपका यूक्लियस डिविजन लेमा बहुत सिंपल टॉपिक है जैसे कि एच को निकालना हमने एच निकालना सीखा हुआ है अपने पुरानी क्लासेस में छोटी क्लासेस में लाइक इन क्लास फिफ्थ एंड सिक्स लॉन्ग डिविजन मैथड से एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड से तो एच सी एफ़ जब हम लॉन्ग डिविजन मेथड से निकालते हैं तो हम उसे यूक्लियस डिविजन लेमा कह देते हैं टेंथ क्लास में और एच सी एफ़ जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं तो हम उसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरेदेमेटिक में कह देते हैं ओके okay? सो so, सिर्फ नेम का डिफरेंस है ओके सो एच पे बेस्ड क्वेश्चन तो आएंगे ही बिकॉज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरेथेमेटिक तो आपका टॉपिक इंक्लूडेड ही है सी में बट हाँ उसे यूक्लियस डिविजन लेमा जो एक थ्योरम दे दी गई थी उससे नहीं करना है बिकॉज ये टॉपिक जो है वो आपका डिलीट कर दिया गया है ओके okay? अब हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कौन से ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सॉल्व करने से पहले पता होना चाहिए सो फर्स्ट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरेथेमेटिक दिस इज योर योर एक्सरसाइज वन पॉइंट टू सो फंडामेंटल थियोर में फिरमेटिक क्या कहती है इसका कहना यह है कि कोई भी कंपोजिट नंबर नाउ कम्पोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं आप सबको पता होगा ऑल दोज नंबर्स विच हैव फैक्टर्स मोर देन टू लाइक सिक्स इज अ कम्पोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ फैक्टर्स वन टू थ्री एंड सिक्स फोर फैक्टर्स सो एनी नंबर हैविंग फैक्टर्स मोर देन टू आर कम्पोजिट नंबर So, कोई भी कंपोजिट नंबर के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें उनके ऑर्डर को ध्यान में ना दें तो हर कंपोजिट नंबर का अपना यूनिक फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन होता है इस थ्योरम के हिसाब से एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स लाइक ट्वेंटी फोर ओके दिस इज अ कंपोजिट नंबर यस दिस इज लेट सी वॉट आर द फैक्टर्स सो द फैक्टर्स आर टू अगेन टू एंड देन वी हैव थ्री the factors of 24 are 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 right take another number okay take another number like i have taken 18 2 9 3 again 3 so the factors of 18 are 2 3 3 if we look at the factors are आर द सेम नो दे आर not talking about the numbers like they have two. This is also having two. No, numbers पे ध्यान नहीं देना है हमें हमें ये देखना है कि यहाँ पे तीन two थे यहाँ पे कितने हैं एक ही है यहाँ पे एक three है यहाँ पे कितने हैं दो मतलब हर composite number का अपना unique prime factorization होता है ऑर्डर्स को ध्यान में नहीं देना है इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हम ट्वेंटी फोर को ऐसे भी लिख सकते थे क्या गलत होता नहीं हम ट्वेंटी फोर को ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक like हमने दो टू पहले लगा दिए थ्री बीच में कर दिया क्या ये ट्वेंटी फोर आंसर नहीं देगा देगा तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑर्डर के ध्यान में ना रखें तो हर कंपोजिट नंबर का अपना डिफरेंट अपना यूनिक फैक्टराइजेशन होता है क्लियर सेकेंड लेट पी बी अ प्राइम नंबर कोई एक प्राइम नंबर है पी पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा ओके लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल लाइक स्टूडेंट्स देखिए हमने ले लिया ए फोर नाउ अगर ए फोर है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा सिक्सटीन अगेन एज्यूम दैट पी इज सम नंबर टू ओके सो स्टेटमेंट क्या कह रही है अगर ए स्क्वायर डिवाइड हो जाता है पी से तो चलिए हम डिवाइड करके देखते हैं सिक्सटीन डिवाइडेड बाई टिविजल हाउ मेनी टाइम्स एट टाइम अगर ए स्क्वायर डिवाइड हो जाता है तो ए भी डिवाइड हो जाएगा लेट सी दिस चेक कर लेते हैं ए अपॉन पी क्या है ए आपका है फोर पी है टू डिवाइड हो सकता है ये डिवाइड हो सकता है ओके सो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट भी उस पी से डिवाइड होगा थर्ड इज ये तो आपकी बहुत पुरानी थ्योरम है स्टूडेंट्स इन्हें आपने पहले भी पढ़ा है फिफ्थ सिक्स डिवीजन में कि किसी भी दो नंबर का एच और एल उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एलसीएम दोनों ही नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है फोर्थ पॉइंट इज लेट एक्स इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू नाउ वट इज पी बाई क्यू पी बाई क्यू जब भी किसी नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं ओके रेशनल नंबर को रेशियोज के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना क्वेश्चन यहाँ पे ये यह कह रहा है सॉरी एक्सप्रेशन यहाँ पे ये यह कह रहा है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नाव वट इज़ को प्राइम अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच का कॉमन फैक्टर खाली वन हो ओके फॉर एग्जाम्पल सिक्स एंड सेवन ये दोनों को प्राइम नंबर्स है बिकॉज इनके बीच में वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा ओके okay? सो so, अगर पी और क्यू को प्राइम नंबर हैं और X एक रेशनल नंबर है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा नाउ टर्मिनेटिंग के लिए आपके पास स्टूडेंट एक कंडीशन है वो क्या है कि डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए वो टू और फाइव की पावर में होना चाहिए अगर टू या फाइव के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नंबर आ जाता है तो वहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये डेसीमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिफ्थ पॉइंट हमारा यही है कि कोई भी नंबर अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे टू और फाइव की पावर नहीं आती है न्यूमिनेटर का नहीं डिनोमिनेटर का हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करना है कीप दिस इन माइंड हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करना है अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में टू और फाइव के अलावा कोई नंबर आता है तो फिर वो नॉन डॉमिनेटिंग होगा और अगर टू या सिर्फ फाइव है तो फिर वो टर्मिनेटिंग होगा नॉ टू की पावर एम फाइव की पावर एन का मतलब ये है कि टू की पावर्स भी हो सकती हैं सिर्फ टू नहीं टू की पावर्स भी आ सकती हैं फाइव की पावर्स भी आ सकती हैं है। ओके तो चलिए स्टूडेंट्स ये कुछ बातें थी इम्पोर्टेंट जिन्हें आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले पता होना चाहिए था और मैंने इसका रिवीजन करवा दिया है अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इैशनल नंबर इज किसी भी रैशनल नंबर नॉन जीरो रैशनल नंबर मतलब जीरो नहीं हो सकता बिकॉज जीरो इज ऑल्सो रैशनल नंबर सो जीरो नहीं हो सकता जीरो के अलावा आप कोई भी रैशनल नंबर लें एंड उसका प्रोडक्ट आप एक इैशनल नंबर से निकालें तो आंसर क्या होगा लेट्स सी द ऑप्शन फर्स्ट इज ऑलवेज इ रैशनल सेकेंड इज ऑलवेज रैशनल थर्ड इज़ रैशनल और इ रैशनल एंड फोर्थ इज़ वन स्टूडेंट्स okay? so अगर आपको इसे हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं like, आपको पता है किसी भी प्राइम नंबर को अगर हम स्क्वायर रूट में रख दें या हम उसे क्यूब रूट में रख दें तो वो हमेशा इशनल आंसर देगा ना इेशनल आंसर का मतलब ये होता है कि इेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बताते हुए चलूंगी ओके okay? नॉन क्या होता है रिपीटिंग होता है लाइक like आप अगर देखो अगर आप पाई की वैल्यू आपने कभी पाई की वैल्यू देखी हो ओके okay? तो पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर सेवन नाइन एंड सो ऑन नेवर एंडिंग वैल्यू है और वहां पे कोई भी नंबर ऐसा भी नहीं है एक डेफिनेट पैटर्न पे रिपीट हो रहा हो लाइक रिपीटिंग हम कब कहते हैं आप एग्जाम्पल ले लीजिए वन बाई थ्री का इसका जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो आपको पता है जीरो पॉइंट थ्री 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 आता ही चला जाएगा तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है बिकॉज थ्री यहाँ पे रिपीट हो रहा है रिपीटिंग हम इसे भी कहेंगे अगर थ्री टू थ्री टू थ्री टू मतलब दो डेसिमल दो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं थ्री डिजिट्स रिपीट हो रही है तब भी हम उसे रिपीटिंग करेंगे लेकिन अगर कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं है रिपीट होने का तब हम उसे क्या कहेंगे नॉन रिपीटिंग तो एक इैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है स्टूडेंट्स वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग भी आ सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग आ सकता है लेकिन रिपीटिंग ओके इशनल सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो हमने एक ले लिया इर नंबर थ्री और एक रैशनल नॉन जीरो नंबर ले लिया टू ना ये टू रैशनल कैसे है बिकॉज आप इसे टू बाई वन भी तो लिख सकते हैं तो हो गया ना ये पी बाई क्यू के फॉर्म में तो अगर किसी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो रैशनल हो जाता है तो अगर हम इसका मल्टीप्लीकेशन करें स्टूडेंट्स तो आपको पता है हम स्क्वायर रूट या अंडर रूट के अंदर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो ये आपको एक कैसा आंसर दे रहा है ये आपको एक इर आंसर दे रहा है Right. So the, what is the right answer? The right answer is option number one, always irrational. Let's see. Okay. So first answer is right answer. Let's see the next question. So the next question is the decimal expansion of a number 441 upon something you have see, has. Options are a terminating decimal, non-terminating but repeating, non-terminating, non-repeating, terminating after two places of decimal. ओके द स्टूडेंट्स अभी जस्ट मैंने आपको बताया किसी भी रैशनल नंबर की टर्मिनेटिंग होने की कंडीशन क्या है कि जो उसका डिनोमिनेटर होना चाहिए वो सिर्फ टू या फाइव की पावर में होना चाहिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सेवन भी है ओके okay? तो हम अभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे जज नहीं कर सकते कि ये टर्मिनेटिंग इन आउट के बिकॉज आपका न्यूमिनेटर भी तो गिवन है हो सकता है ये सेवन इस न्यूमिनेटर को डिवाइड कर दे ओके okay? तो क्या फोर फोर्टी वन सेवन डिवाइड होगा येस हाउ मेनी टाइम्स सिक्सटी थ्री टाइम्स तो अब आपके पास डिनोमिनेटर में क्या बचा सिर्फ टू और फाइव की पावर्स के नंबर बचे इसका मतलब ये जो हमारा एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा टर्मिनेटिंग ये तो हमें पता चल गया बट स्टूडेंट्स जस्ट अ सेकेंड कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा राइट right? तो अभी हम यहाँ से आंसर नहीं टेक करेंगे बिकॉज आपको जब टर्मिनेटिंग होता है तो टर्मिनेटिंग क्या हो एक डिजिट बाद हो जाता है ऐसा नेसेसरी तो नहीं है हो सकता है दो डिजिट बाद टर्मिनेटिंग हो थ्री डिजिट बाद टर्मिनेटिंग हो तो हमें ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि कैसे पता लगाएंगे बिना डिवाइड किए कि एक डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है तो कितने डिजिट बाद टर्मिनेटिंग है तो इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स आपको क्या देखना है आपको ये देखना है कि जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया यानी कि टू और फाइव के पावर में डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर लिया तो किसकी पावर हाईएस्ट है किसकी पावर हाइएस्ट है फाइव की पावर हाइएस्ट है थ्री मतलब हमें किसको देखना है हाइएस्ट पावर को देखना है तो यहाँ पर थ्री है इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो पॉइंट के बाद थ्री डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा सो so हमारा लास्ट ऑप्शन तो यहीं से गलत हो गया ओके okay? ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो गए बिकॉज हम देख चुके थे पहले कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमारा कन्फ्यूजन सिर्फ इसमें और इसमें था बट डिजिट चेक करके पावर चेक करके हमने इसको भी एलिमिनेट कर दिया इसे कहते हैं एलिमिनेशन ट्रिक जब आपको क्वेश्चन कभी डिफिकल्ट लगे तो आप वहाँ पे एलिमिनेशन ट्रिक अपनाइए ओके सो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा है टर्मिनेटिंग सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर लेट सी स्टूडेंट्स यस फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर एक्सप्लेनेशन इज गिवेन टू यू और मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन एक्सपांशन ऑफ द राशनल नंबर वन फोर फाइव एट सेवन डिवाइडेड बाई वन टू फाइव जीरो विल टर्मिनेट आफ्टर अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा डेसीमल के डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा और ऑप्शन आर वन डेसीमल प्लेस टू डेसिमल प्लेस थ्री डेसिमल प्लेस एंड फोर डेसिमल प्लेस तो हमें क्या करना होगा अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया हमें क्या करना होगा हमें वन टू फाइव जीरो के क्या निकालने पड़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पड़ेंगे तो जल्दी से निकाल के देख लेते हैं क्या फैक्टर्स है सो so, सबसे पहले कोशिश ये करिए जब नंबर बड़ा हो तो बड़े नंबर से ले जाइए बड़े प्राइम फैक्टर्स से ओके थोड़ा ईजी लगता है सॉल्व करना लाइक like, यहाँ पर क्या बचा आपका टू फिफ्टी अगेन फाइव क्या बचा फिफ्टी अगेन फाइव टेन टेन नाउ फाइव टू एंड हियर आल्सो टू सो प्राइम फैक्टराइजेशन आपके किस में है फाइव और टू में ही है यानी कि अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो हमने डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर लिया फाइव और टू की पावर में फाइव की पावर फोर एंड टू की पावर वन तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है ठीक है और कितने डिजिट बाद टर्मिनेटिंग है ये तो हाईएस्ट पावर बताएगी हाईएस्ट पावर है फोर इसका मतलब ये डेसिमल कितने डिजिट बाद टर्मिनेटिंग होगा फोर डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेटिंग होगा लेट्स सी द आंसर यस स्टूडेंट्स राइट आंसर इज फोर नेक्स्ट क्वेश्चन पाई माइनस ट्वेंटी टू बाई सेवन इज रैशनल नंबर इरेशनल नंबर अ प्राइम नंबर लास्ट इज एन इवन नंबर स्टूडेंट्स इराशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम ध्यान दें तो इशनल नंबर जब भी किसी को मल्टीप्लाई करता है सब्ट्रैक्ट करता है या ऐड करता है अपने में किसी भी नंबर को भले ही वो इराशनल हो या रैशनल अगर हम इराशनल नंबर में कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं या सब्ट्रैप्ट करते हैं तो आंसर हमेशा इराशनल होता है कीप दिस इन माइंड ओके सो आप इस बात को ध्यान में रखिए और यहाँ से हमें पता चलता है कि इसका आंसर हमेशा क्या होगा इराशनल नंबर

रिमाइंडर की बात नहीं करेगी इसका मतलब वो रिमाइंडर क्या देता है जीरो देता है ठीक है तो आपको स्टूडेंट्स एक बात तो ये पता ही होगी कि हम उसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं जो उसकी टेबल में आता हो लाइक सिक्स से टू तभी डिवाइड होगा जब टू की टेबल में सिक्स आता हो राइट तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए अगर हम टू को डिवाइड कर पा रहे हैं अगर हम सिक्स को डिवाइड कर पा रहे हैं टू से और क्वेश्चन आ रहा है थ्री ठीक है तो हम तभी डिवाइड कर पा रहे हैं जब सिक्स टू के टेबल में आता हूँ ठीक है और इसका अगर हमें नहीं पता है यहाँ पे कोई नंबर है तो आप इसे मल्टीप्लाई करके भी आंसर बता सकते हैं लाइक like टू से मल्टीप्लाई किया थ्री तो हमें आंसर आया सिक्स यानी मैं सिक्स को डिवाइड किया सेम इज़ द कंडीशन हेयर कि टू से डिवाइड होने पर क्वेश्चन आ रहा है थर्टी थ्री तो हमें नंबर मिल गया क्या हो गया हमारा एक नंबर सिक्सटी सिक्स यानी कि वो नंबर क्या है सिक्सटी सिक्स है तो हमें एक नंबर पता है एच सी एफ पता है एल सी एम पता है दूसरा नंबर निकालना है तो आप यहाँ पे इस थ्योरम को यूज कर सकते हैं कौन सी थ्योरम एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल्स टू ए इन टू बी तीन चीजें आपको गिवन है आपको फोर्थ चीज को कैलकुलेट करना है ओके सो so, ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन है सिक्सटी सिक्स वन थर्टी वन थर्टी टू एंड 196। नाइनटी सिक्स स्टूडेंट्स मैंने आपको फॉर्मूला दे ही दिया है कि ये आपका फॉर्मूला है इससे आप कैलकुलेट करके बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं ओके okay? सो so सबसे पहले आप यहाँ पे पॉज करिए अपना फॉर्मूला फाइंड आउट अपने फॉर्मूले से आंसर को फाइंड आउट करिए और चेक करिए क्या ये ऑप्शन में से आंसर सही है बट मैं आपको आंसर शो कर देती हूँ लेकिन आप मेरा आंसर देखने से पहले खुद सॉल्व करिए ओके सो द राइट आंसर इज अ स्टूडेंट्स वन ओके लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन नंबर सिक्स वट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द प्लान्स इफ थ्री पीसेज ऑफ टिम्बर फोर्टी टू मीटर फोर्टी नाइन मीटर एंड सिक्स मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इंटू प्लान ऑफ द सेम लेंथ ओके क्वेश्चन ये कह रहा है क्या लीस्ट पॉसिबल नंबर होगा प्लान का अगर थ्री पीसेज हैं टिम्बर के मीन्स अलग अलग साइजेस दिए गए हैं एक साइज टिम्बर का ये है एक इस साइज के टिम्बर्स हैं एक इस साइज के तो कैसे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं कि उनको सेम लेंथ में रखा जा सके लाइक फोर्टी टू मीटर के टिम्बर्स को हम एक साथ रखें फोर्टी नाइन मीटर्स के टिम्बर को एक साथ रखें सिक्सटी थ्री मीटर्स के टिम्बर को एक साथ इसके कितने प्लांक्स बनाने चाहिए ऑप्शंस देख लेते हैं फाइव सिक्स सेवन नाइन सॉरी नन ऑफ दिस स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमारी ट्रिक काम आएगी यहाँ पे हमें अपने बेसिक मेथड को इस्तेमाल करने से पहले एक चीज़ पे ध्यान देन देना चाहिए कि जो हमारे ऑप्शन गिवन हैं ये सारे ही आपके छोटे नंबर्स हैं राइट लाइक फिर अगर हम इन तीनों नंबर्स से कंपेयर करें तो ये ऑप्शन सारे आपके क्या हैं छोटे नंबर्स हैं उनसे और छोटा आंसर कब आता है जब हम एच सी एफ फाइंड आउट करते हैं या एल सी एम फाइंड आउट करते हैं ऑब्वियसली जब हम हाइएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं ओके okay? सो so, इस क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन को बेसिक मैथड्स बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेंदी होते हैं लेकिन आपको टाइम पे टाइम का भी तो ध्यान देना है 90 मिनट्स ही तो है आपके पास पेपर सॉल्व करने के लिए सो so, उन 90 मिनट्स में आपको कभी कभी क्वेश्चन को ट्रिक से भी सॉल्व करना पड़ेगा सो so, स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो एच आएगा वो होगा सेवन बिकॉज सेवन आपके तीनों के टेबल तीनों को ही डिवाइड करता है फैक्टर क्या होता है वो नंबर जो डिवाइड करे सो सेवन सिक्स फोर्टी टू सेवन सेवन फोर्टी नाइन सेवन नाइन सिक्सटी थ्री सो आई थिंक सेवन इज द एच सी एफ ओके सो अभी हमने सिर्फ ये क्वेश्चन में फाइंड आउट किया है कि जो प्लांक की लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए तो हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट कर लिया है एच सी एफ़ से कि प्लान की लेंथ सेवन मीटर की होनी चाहिए बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स बन सकते हैं बिकॉज़ हमें तीनों ही टिम्बर के पीसेस को अलग अलग प्लैंक बना के रखना है तो अगर हम 42 मीटर के टिम्बर की बात करें और 7 मीटर का प्लैंक किसके लिए बनाना है तो कितने प्लैंक्स बनेंगे सिक्स बनेंगे सिमिलरली अगर हम 49 मीटर टिम्बर की बात करें तो हमें कितने प्लैंक्स बनाने हैं तो सेवन मीटर का अगर एक प्लैंक है तो फोर्टी नाइन मीटर के लिए कितने बनेंगे सेवन बनेंगे

नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक फिफ्टी टू किलोमीटर एंड नाइन्टी वन किलोमीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स ओके क्या पॉसिबल स्पीड हो सकती है अगर उसे फिफ्टी टू किलोमीटर चलना हो और नाइन्टी वन किलोमीटर चलना हो स्पीड क्या होनी चाहिए कि वो सेम नंबर ऑफ मिनट्स में दोनों डिस्टेंस को कवर कर ले ऑप्शनज आर सेवनटीन मीटर पर मिनट सेवेन मीटर पर मिनट थर्टीन मीटर पर मिनट एंड ट्वेंटी सिक्स मीटर पर मिनट ओके स्टूडेंट्स आई थिंक द ऑप्शन आर रॉन्ग बिकॉज आपका यहाँ पे जो यूनिट यूज की गई है वो किलोमीटर यूज की गई है तो आप यहाँ पे चेंज कर लें ऑल दीस शुड बी इन किलोमीटर पर मिनट ओके सो कन्फ्यूज मत होइएगा हमें मीटर में कन्वर्ट नहीं करना है अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में एक ट्रिक दी स्टूडेंट्स कि हम नंबर देखेंगे कि क्या नंबर में जो ऑप्शन है वो इनसे छोटे आ रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिए सभी नंबर इनसे छोटे आ रहे हैं इसका मतलब हमें यहाँ से तुरंत पता चल गया हमें क्या निकालना है एच निकालना है तो फिफ्टी टू और नाइन्टी वन का आप एच सी एफ निकाल लीजिए दैट विल बी द राइट आंसर सो लेट्स सी क्या आता है एच सी एफ सो फिफ्टी टू और नाइन्टी वन का एच सी एफ आता है आपका थर्टीन सो द राइट आंसर इज थर्टीन किलोमीटर पर मिनट इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक सो थर्टीन किलोमीटर per minute. Next, if a is equal to 2n plus 13, b is equal to n plus 7, where n is a natural number, then HCF of a and b. ठीक है? यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि a की ये वैल्यू है, a ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, b ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, n यहाँ पे कोई भी एक natural नंबर आप ले सकते हैं, तो HCF of a and b क्या होगा? सबसे पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं. तो so, option है 2, 1, 3, फोर ओके okay? तो कोई भी नेचुरल नंबर के लिए आप सबसे पहले मान लो चलो एन की वैल्यू है वन ओके सो अगर एन की वैल्यू है वन तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी टू मल्टीप्लाई right? आ गया आपका वैल्यू क्या हो जाएगी एन प्लस सेवन ओके तो ये आ गया आपका वन प्लस सेवन दैट मीन ए ना एट एंड फिफ्टीन वट टाइप ऑफ नंबर आर दीज अगर हम देखें तो ये नंबर है हमारे को प्राइम नंबर बिकॉज एट एंड फिफ्टीन में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट वन और किसी भी को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर क्या होगा सिर्फ वन होगा अभी मैंने बताया सो द राइट ऑप्शन इज वन ओके सो जहाँ पे भी क्वेश्चन ऐसे पूछे एन इज एनी नेचुरल नंबर तो वहां पे आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू को ले सकते हैं देट्स इज द राइट आंसर ये स्टूडेंट्स राइट ऑप्शन इज टू एच सी एफ क्या होगा हमेशा को प्राइम नंबर का एच सी एफ हमेशा वन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको आपको क्वेश्चन में दिया है कि एल सी एम जो है वो सेवनटी एट है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ये क्या चीज है ये एच सी एफ का दूसरा नाम है दैट मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलने या हम उसको एच सी एफ बोल लें वो बो था सेम थिंग एच सी एफ आपको दिया है थर्टीन ठीक है दो चीज़ आपको दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि उस ए और बी की वैल्यू निकालिए उस ए और बी की वैल्यू निकालिए जिनका हम अगर एल सी एम निकालते तो ये आंसर होता है एच सी एफ निकालते तो ये आंसर होता अब इसके लिए स्टूडेंट इस सबसे पहले आप अपने ऑप्शन पर ध्यान दीजिए ठीक है अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर कोई भी नंबर इनका एत, अगर ये ए और बी एल सी एम या एच सी एफ हैं अगर हम सबसे पहले एच सी एफ को देखें थर्टीन इसका थर्टीन क्या होता है एच सी एफ क्या होता है कॉमन डिवाइजर होता है यानी दोनों ए और बी ऐसे नंबर हैं जो थर्टीन से डिवाइड होते हैं राइट right? तो क्या हमारे ऑप्शन में ऐसा कोई दिख रहा है लाइक like अगर देखिए यहाँ पे थर्टीन से सिक्सटी ईयर डिवाइड होता है नहीं होता ट्वेंटी थ्री नहीं होता इसका मतलब हम ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें ये नहीं पॉसिबल है सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे तो फर्स्ट ऑप्शन में थर्टीन है तो हम मान के चल सकते हैं पॉसिबिलिटी हो सकती है आंसर आने की थर्ड ऑप्शन को देखें यहाँ भी कोई डिवाइड होने वाला नहीं है फर्स्ट ऑप्शन पे हम दोबारा जाते हैं अगर थर्टीन से फिफ्टी एट डिवाइड हो सकता है क्या बिकॉज ए और बी दोनों का कॉमन डिवाइजर है थर्टीन तो बी के भी टेबल में थर्टीन आता होगा ओके बी बी डि ऐसा नंबर होगा जिससे थर्टीन से, से डिवाइड किया जा सकता है ए भी ऐसा नंबर होगा जिसको थर्टीन से डिवाइड किया जाए अगर हम मान लेते हैं बी थर्टीन है ए फिफ्टी एट है तो क्या फिफ्टी एट डिवाइड होता है नहीं डिवाइड होता है ओके थर्टीन के टेबल में नहीं आता इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता तो फाइनल ऑप्शन हमारे पास क्या बचा फोर चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर सही है थर्टीन के टेबल में क्या आपका सेवेंटी एट आता है येस yes, आता है हाउ मेनी टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स सिक्स टाइम्स थर्टीन के टेबल में वन थर्टीन uh, आता है ऑब्वियसली वन टाइम अगर ये ये दोनों नंबर ना होते तो क्या ये हो सकते थे चेक कर लेते हैं ट्वेंटी सिक्स ऑब्वियसली इट कम्स इन द्वेंटी थर्टीन थर्टी नाइन दिस ऑल्सो कम हाउ मेनी टाइम टू दिस कम थ्री टाइम्स ईयर सिक्स टाइम वन टाइम सो ये सारे नंबर ये चारों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं क्यों क्योंकि इनको ये सारे नंबर आपके थर्टीन से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमने अपने बेसिक मेथड को छोड़ के किसका इस्तेमाल किया एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल किया कि वो ऑप्शन हमने सबसे पहले हटा दिए जो हमें पता है कि ये तो हो ही नहीं सकते ओके okay? कोई भी एक नंबर का अगर कॉमन डिवाइजर किसी भी दो नंबर के तीन नंबर चार नंबर कितने भी नंबर के अगर आपका कॉमन डिवाइजर दे दिया गया तो इसका मतलब वो नंबर तो आना ही आना है आंसर आपका वही होगा जो फिर उस कॉमन डिवाइजर से डिवाइड होता हो क्लियर लेट्स सी यस ऑप्शन इज फोर ओके यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स आपका बेसिक मेथड भी दिया हुआ है जिससे आप समझ सकते हैं लाइक अगर आपको बेसिक मेथड मैंने तो आपको ट्रिक से बताया अगर आप बेसिक मेथड देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए लाइक थर्टीन एंड सेवेंटी एट इन्होंने क्यों ये ऑप्शन थर्टीन एंड सेवेंटी एट का प्रोडक्ट ही तो आपका ए और बी का प्रोडक्ट होता है तो जो थर्टीन एंड सेवेंटी एट का प्रोडक्ट आया उसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला गया है ये आपका बेसिक मेथड है जो बेसिक से करना चाहते हैं कर सकते हैं बट तो बेटा बेसिक मेथड में थोड़ा टाइम लगता है और हमें अपने टाइम को बचाना है बिकॉज़ हमारे पास टाइम कितना है सिर्फ नाइन्टी मिनट्स है ओके okay? तो आपके जब फैक्टर्स आए तो क्या आए टू थ्री थर्टीन थर्टीन अब थर्टीन कॉमन डिवाइजर था मतलब थर्टीन दोनों के पास होना चाहिए था तो एक बार थर्टीन टू से ले लिया गया और इसका पेयर बना लिया गया एक बार थर्टीन थ्री से लेके इनका पेयर बना लिया गया तो यहां से हमें जब टू लिया तो ट्वेंटी सिक्स मिला थ्री लिया तो थर्टी नाइन मिला और थर्टी नाइन और ट्वेंटी सिक्स सिर्फ एक ऑप्शन में था जो है लास्ट ऑप्शन आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन टू नेचुरल नंबर एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज वन हंड्रेड टू ओके एल सी एम आपको वन हंड्रेड टू दिया है दो नेचुरल नंबर का सम दिया गया है नेचुरल नंबर नहीं दिए गए उनका सम दिया गया है ओके okay? और यहां पे आपको एल सी एफ भी नहीं बताया गया चलिए ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन है थर्टी एंड फिफ्टी फाइव सेवनटीन एंड सिक्सटी एट थ्री ऑप्शन इज थर्टी फाइव एंड फिफ्टी फाइव फोर्थ इज फिफ्टी वन एंड थर्टी फोर स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान दें अगर हमें ट्रिक लगानी है कह रहा है क्वेश्चन की सम एटी फाइव है क्या हम चेक कर लें जल्दी से कि क्या इन सब के सम एटी फाइव तो नहीं है अगर इसमें से कोई भी एटी फाइव नहीं आता है तो हम उस ऑप्शन को तुरंत ही इलिमिनेट कर सकते हैं थर्टी प्लस फिफ्टी फाइव एटी फाइव सेवनटीन प्लस सिक्सटी एट ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो एटी फाइव थर्टी फाइव फिफ्टी फाइव ये ऑप्शन आपका गलत है क्यों गलत है बिकॉज थर्टी फाइव और फिफ्टी फाइव का सम एटी फाइव से ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ तो मतलब इन तीन ऑप्शन में एक ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर लिया ये नहीं हो सकता देन आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है वन हंड्रेड टू है यानी कि जो दो नंबर्स हैं उनकी टेबल में वन हंड्रेड टू आएगा एलसीएम क्या होता है मल्टीपल्स होते हैं लाइक सेवेंटी टू क्या है सिक्स का मल्टीपल है ओके सो एल क्या होता है एलसीएम हम तभी निकाल पाते जब उनके मल्टीपल्स लेते हैं इसका मतलब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि, कि किस नंबर की टेबल में वन आ रहा है 30 के टेबल में 102 नॉट पॉसिबल सो फर्स्ट ऑप्शन इज गॉन नेक्स्ट इज 17 17 के टेबल में क्या 102 आता है यस इट कम्स हाउ मेनी टाइम्स टू टाइम्स क्लियर देन हमें 68 का भी पता होना चाहिए क्या 68 के टेबल में 102 आता है नो no, नहीं आता है ओके okay? सो so ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया बिकॉज एंड लगा हुआ है और तो लगा नहीं है सो so 17 और 68 दोनों के टेबल में आना चाहिए अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा जो है फोर दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट आंसर है चेक भी कर लेते हैं क्या फिफ्टी वन के टेबल में वन ऑट टू आता है येस हाउ मेनी टाइम्स टू टाइम्स थर्टी फोर के टेबल में आता है येस हाउ मेनी टाइम्स थ्री टाइम्स ओके सो दिस इज द ट्रिक दैट वी कैन यूज टू सॉल्व यर क्वेश्चन ईजिल अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा है या बेसिक कॉन्सेप्ट हमें लेंदी लग रहा है सॉल्व करने के लिए तो हम ऐसे भी अपने क्वेश्चन अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करके सॉल्व करेंगे क्लियर yeah? स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिस से होगा आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइडेड है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप उन्हें सॉल्व करिए प्रैक्टिस करिए कोशिश करिए कि ट्रिक्स के बेसिस पे जिन क्वेश्चन में ट्रिक्स लग सकती हो उन्हें ट्रिक्स से ही सॉल्व करें ताकि आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा बचे ओके लेट्स सी द राइट आंसर ये राइट आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन और फॉरेस्टर वॉन्ट्स टू प्लांट्स ट्रीज एटी एट बनाना ट्रीज एंड वन हंड्रेड टेन मैंगो ट्रीज इन इक्वल रोज ओके उसे सारे पेड़ इक्वल रो में लगाने हैं ठीक है ऑल्सो उसे क्या चाहिए उसे ये चाहिए कि हर पेड़ की लाइक like एप्पल की एक अलग रो हो ऐटी एट बनाना की बनानास की एक अलग रो हो मैंगो की एक अलग रो हो लेकिन सब रोज बराबर होने चाहिए ठीक है द नंबर ऑफ मिनिमम रोज रिक्वायर्ड आर ठीक है अब ऑप्शन देख लेते हैं बिकॉज ऑप्शन अगर छोटा होगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि एच सी एफ निकालें या एल सी एफ निकालें फर्स्ट इज टू सेकेंड इज थ्री थर्ड इज टेंथ एंड फोर्थ इज ट्वेल्थ इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें निकालना है एच सी एफ ठीक है बिकॉज क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछ लिया अगर हम बेसिक मेथड की बात करें स्टूडेंट्स की कैसे हम जहां पे ऑप्शंस नहीं होते वहां कैसे पता लगाते तो जब भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि इक्वल रोज या मिनिमम नंबर ऑफ रोज वहां पे हमें क्या निकालना होता है एच सी एफ ठीक है लाइक एच सी एफ अगर हमने निकाला हमें किसका एच सी एफ निकालना होगा सिक्सटी सिक्स का एट्टी एट का सॉरी oh कॉमा यहां नहीं होगा एंड वन हंड्रेड टेन का ठीक है तो चलिए इसका एच जल्दी से निकाल लेते हैं एच क्या होता है वही नंबर ले लेंगे एच में जो तीनों को डिवाइड करता हो ठीक है इसके अलावा कौन है एलेवन थ्री फोर फाइव अब एच क्या आ गया आपके पास एच आ गया आपके पास ट्वेंटी टू so, सो ट्वेंटी टू रोज़ बनाई जा सकती हैं इन सारे एप्पल्स और बनाना और मैंगो को ट्रीज़ को इक्वली डिवाइड करने के लिए ठीक है अभी तो हमने मिनिमम नंबर ऑफ रोज़ निकाली लेकिन सिक्सटी सिक्स एप्पल ट्रीज़ लगाने हैं ना ट्वेंटी टू रोज में कैसे लगेगा तो हमें यह भी निकालना पड़ेगा कि हर ट्री हर फ्रूट की कितनी रोज़ बनेगी ठीक है एक रो में हमें क्या करना है ट्वेंटी टू चीज़ें लगानी हैं क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्वेश्चन ये कह रहा है अगर हमें एप्पल बनाना लगाना हो तो एक रो में लगे भी बराबर के होने चाहिए और सबकी रोज़ भी अलग होने चाहिए तो बराबर के रोज़ तो हमने निकाल ली कि ट्वेंटी टू होनी चाहिए लेकिन अब ट्वेंटी टू के लिए ट्वेंटी टू एप्पल लगाने के लिए रो कितनी बनेगी सो सिक्सटी सिक्स डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू कितनी बनेगी थ्री रोज़ बनेंगी अगर हमें एट्टी एट बनाना लगाने हैं और हर रो में ट्वेंटी टू बनाना होने चाहिए तो कितनी रोज़ बनेंगी फोर रोज़ बनेंगी ओके okay? अगर हमें वन हंड्रेड टेन मैंगो ट्रीज लगाने हैं और हर रो में ट्वेंटी टू मैंगोज़ होने चाहिए तो कितनी बनेंगी फाइव बनेंगे तो टोटल हमें कितना मिला टोटल आपका हो गया जस्ट अकेंड टोटल हो गया आपका थ्री प्लस फोर प्लस फाइव दैट मींस ट्वेल्व ट्वेल्व इज द राइट आंसर ओके सो क्वेश्चन आपसे कभी भी मिनिमम वैल्यू के बारे में पूछे तो आपको वहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना है लेकिन यहीं तक कैलकुलेट करके नहीं रहना है क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा बिकॉज एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी जा रही हैं पहले तो वो ये पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ रोज रिक्वायर्ड हैं ठीक है क्योंकि हर हर फ्रूट uh, की अलग अलग रो बननी है उसके बाद वो ये भी पूछ रहा है कि हर रो में कितने फ्रूट लगाए जा सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि हर रो में कितने फ्रूट लगाए जा सकते हैं ट्वेंटी टू और उसके बाद हर अलग अलग रो के में रो के लिए हर अलग अलग फ्रूट के लिए हमें कितनी रोज बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या लेट्स सी यस द राइट ऑप्शन इज फोर एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एच सी एफ निकाला गया है देन हमने एच सी एफ को नंबर ऑफ रोज निकालने के लिए सबसे पर्टिकुलरली डिवाइड किया है एंड हेअर वी हैव द राइट आंसर नेक्स्ट इज अ नंबर टेन एक्स प्लस वाई इज मल्टीप्लाइड बाई अनादर नंबर टेन ए प्लस बी एंड द रिजल्ट कम्स एज हंड्रेड पी प्लस टेन क्यू प्लस आर वेर आर इज इक्वल टू टू वाई एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई एंड पी इज इक्वल्स टू टू एक्स यहाँ पर आपको एक कंडीशन और दे दी गई है कि एक्स वाई फाइव से छोटा रहेगा ठीक है क्यों कभी भी जीरो नहीं हो सकता तो बताइए टेन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखने में तो आपको बहुत लेंदी लग रहा है बट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है सिवाय वैल्यूज जो आपको क्वेश्चन में दी हैं उन्हें पुट करने के ओके सो so, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम किसी भी एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बिकॉज क्वेश्चन ऐसा नहीं है जहाँ पे ट्रिक तो यहाँ पे हमें बेसिक मेथड ही यूज़ करना है तो मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि आप एलिमिनेशन ट्रिक पर प्रैक्टिस करें बिकॉज जहाँ हमें बेसिक मेथड यूज़ करना पड़ जाएगा वहाँ तो हमें टाइम लगेगा ही लगेगा लेकिन जहाँ हम बेसिक मेथड बिना यूज़ किए जल्दी से ट्रिक से आंसर निकाल सकते हैं हमें वहाँ पर अपने टाइम को सेव करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए ओके नेक्स्ट ऑप्शन इज थर्टीन नेक्स्ट इज थर्टी नेक्स्ट इज ट्वेंटी टू सो इन ऑप्शन में आपको राइट right आंसर निकालना है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया आपको क्या करना होगा आपको वैल्यूज को पुट करना होगा एक्सप्रेशन so, आपकी क्या दी गई है एक्सप्रेशन आपकी दी गई है टेन क्यू प्लस आर आर की वैल्यू पता है क्यू की वैल्यू पता है पी की वैल्यू पता है ओके सो लेट्स पुट द वैल्यूज लेट्स पुट द वैल्यूज हंड्रेड मल्टीप्लाई

ये हमने एक्सप्रेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई में निकाल लिया अब हम आगे फिर से अगर क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन क्या कह रहा है नंबर टेन एक्स प्लस वाई इज मल्टीप्लाइड बाई अनादर नंबर टेन ए प्लस बी एंड द रिजल्ट इज दिस तो रिजल्ट तो आपको मिल गया ठीक है लेकिन ये रिजल्ट कब आ रहा था जब क्वेश्चन कह रहा है हम टेन एक्स प्लस वाई को जब क्वेश्चन कह रहा है हमने टेन एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई किया किसके साथ टेन ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई किया तब हमें रिजल्ट मिला टू ट्वेंटी एक्स प्लस ट्वेंटी टू वाई ओके सो अब आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करना है यहाँ पे आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और टेन ए प्लस बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स आपको कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें ठीक है तो सब कुछ सामने है बस मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रही हूं वरना आपको कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है आप यहां पे खुद ही चेक कर लीजिए अगर हम यहाँ से 22 कॉमन ले लिया हमारे पास क्या बचेगा अंदर टेन एक्स प्लस वाई और वो टेन एक्स प्लस वाई इस टेन एक्स प्लस वाई से डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो आप डायरेक्टली भी आंसर यहाँ से टिक कर सकते हो दैट मैम ट्वेंटी टू इज द राइट आंसर बट फिर भी जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए लाइक अगर हमने यहाँ से ट्वेंटी टू कॉमन ले लिया तो यहाँ आपका विद इन ब्रैकेट बचा ट्वेंटी टू टेन एक्स प्लस वाई और यहां अगर आप इसको नीचे ले आएंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा ये दोनों कट के आपको क्या आंसर दे रहे हैं ट्वेंटी टू आपसे सेपरेट वैल्यूज नहीं पूछी गई है ए एंड बी की आपसे सिर्फ टेन ए प्लस बी का आंसर पूछा गया है सो तो यहाँ से हमें राइट आंसर मिल गया सो द राइट आंसर इज दिस नेक्स्ट इफ द एच सी एफ ऑफ फिफ्टी फाइव एंड नाइनटी नाइन इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ फिफ्टी फाइव एम माइनस नाइन्टी नाइन दैन द वैल्यू ऑफ एम इज वेरी ईजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स अगर समझ में आ गया हो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है एच सी एफ निकालना है फिफ्टी फाइव और नाइन्टी नाइन का और उसे हमने एक्सप्रेस कर दिया इस फॉर्म में यानी कि जो भी एच सी एफ आया हम उसे किसके बराबर रख देंगे इक्वल टू में इसकी एक्सप्रेशन और यहाँ से हम एम की वैल्यू निकाल लेंगे एच सी दो ऑप्शन फोर टू वन एंड थ्री ओके सो इट्स वेरी इजी आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें खुद से सॉल्व करें उसके बाद आप आंसर देखें मैं इजी है इसलिए मैं ज्यादा आपको नहीं आ, समझा रही हूँ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन सो स्टूडेंट जब हम एच निकालेंगे इलेवन आएगा उस एच को हमने इक्वेशन के सामने बिकॉज इसी के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये दोनों ही इक्वल होंगे तो यहाँ से एम की वैल्यू आ गई आपकी टू सो द राइट आंसर इज 14, the largest number which divides 70 and 125, leaving remainders 5 and 8 respectively is. से कह रहा है हमने इस 70 और 125 को किसी एक नंबर से डिवाइड किया लार्जेस्ट नंबर से जिससे पॉसिबली डिवाइड हो सकता था जब हमने डिवाइड किया तो 70 के, के केस में हमें रिमाइंडर मिला 5 और 125 के, के केस में रिमाइंडर मिला 8। तो अगर स्टूडेंट्स रिमाइंडर बच रहा है तो अगर हम चाहें कि रिमाइंडर ना बचे तो हम उस रिमाइंडर को पहले ही सब कर दें राइट और नॉट अगर हम 70 में फाइव को पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दें तो जिस भी नंबर से हम सिक्सटी फाइव को डिवाइड कर रहे थे अब ये रिमाइंडर नहीं बचेगा सेम हम वन ट्वेंटी फाइव के साथ कर सकते हैं अगर हमने इसमें से पहले ही एट सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बचा वन वन सेवनटी यानी कि अब इन दोनों नंबर को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कोई ऐसा नंबर डिवाइड कर रहा है जो इनको डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं देगा ओके और अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है स्टूडेंट्स तो मुझे यहाँ से लग रहा है कि यहाँ पे आंसर आपका थर्टीन हो सकता है ठीक है लेट्स सी द ऑप्शन सी फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली थर्टीन सेकेंड इज सिक्सटी फाइव थर्ड इज एट सेवेंटी फाइव ना वन सेवन फाइव जीरो स्टूडेंट्स तो ये तो हो ही नहीं सकते बिकॉज ये तो बड़े हैं सिक्सटी फाइव से आप चेक कर लो सिक्सटी फाइव के टेबल में कभी भी वन सेवनटीन आएगा नहीं सो so ये हो नहीं सकता तो अगर फाइनल आंसर इज वन सी दिस इज द एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटर्न एज एक्वल्स टू ए की वैल्यू आपको दी गई है एंड बी की आपकी सेपरेट वैल्यू दी गई है एक्स वाई यहाँ पे प्राइम नंबर्स है कोई भी प्राइम नंबर्स एच सी एफ निकालिए ए और बी का सो so, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को सो so, क्वेश्चन में एच सी एफ निकालने को कहा जा रहा है स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अपने पुराने क्लासेज में हमने कैसे एच सी एफ निकालना सीखा तो फर्स्ट हमें टीचर ने एक बताया था मेथड वो ये था कि हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं उसके बाद हमें उनमें से कॉमन फैक्टर लेना होता है उसके बाद उन कॉमन फैक्टर में हम सबसे लीस्ट पावर को इंक्लूड करते हैं एक्ससीएफ के लिए ओके और एलसीएम में क्या करते हैं एलसीएम में हाईएस्ट पावर ले लेते हैं प्लस कॉमन के अलावा भी जो नंबर होते हैं वो भी ले लेते हैं सो हमें उसी बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को करना है लाइक अगर हम एक्स क्यूब एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर में देखें तो कॉमन क्या है दोनों ही कॉमन है एक्स और वाई दोनों में आ रहे हैं अगर हम लीस्ट पावर की बात करें तो एक्स की लीस्ट पावर है वन और वाई की लीस्ट पावर है टू तो ये हो गया हमारा एच सी एफ ठीक है बेसिक मैथड था ऑप्शन देख लेते हैं एक्स वाई एक्स वाई स्क्वायर क्यूब वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो राइट ऑप्शन इज टू ओके सो याद रखिएगा एच सी एफ में हमें कौन सी पावर देखनी होती है लीस्ट पावर देखनी होती है कॉमन फैक्टर्स की ओके नेक्स्ट इज इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेसड एज पी इक्वस टू ए बी स्क्वायर क्यू इक्व टू ए क्यूब बी क्यूब पी बींग प्राइम नंबर देन एल सी एम स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है मैंने अभी बताया एल सी एम में हम क्या करते हैं एल सी एम में हम कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं उसके अलावा भी जो फैक्टर्स होंगे उन्हें भी ले लिया जाता है इंक्लूड कर लिया जाता है और पावर्स की बात करें कॉमन फैक्टर्स की तो हाइएस्ट पावर लेते हैं सो so आप इसको देखते ही सॉल्व कर लीजिए ए और बी दोनों ही हैं ए की पावर क्यूब हाइएस्ट थ्री हो जाएगी और बी की हाइस्ट पावर टू तो ए क्यू बी स्क्वायर इज द राइट आंसर लेट सी द ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ सो विच ऑप्शन इज राइट थर्ड ऑप्शन इज राइट ओके ऐसे क्वेश्चन बेटा जो देखते ही सॉल्व हो सकते हैं उन्हें देख के ही सॉल्व करिए सॉल्व कर लीजिए तुरंत ही ताकि आपका टाइम बचे बट एक्यूरेसी के साथ और एक्यूरेसी प्रैक्टिस से ही आती है जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इैशनल ऑप्शन देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज दिस सेकेंड इज दिस थर्ड इज दिस एंड फोर्थ इज दिस स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया इरेशनल नंबर क्या होते हैं कोई भी प्राइम नंबर अगर आपके स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में हो तो वो इरेशनल होता है फर्स्ट ऑप्शन पे अगर हम ध्यान दें स्टूडेंट तो फर्स्ट ऑप्शन में जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे या अगर आप यहीं से देख लें सब्सट्रैक्शन हो रहा है और रैशनल और इरेशनल के बीच में अगर सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो आंसर क्या होगा इेशनल होगा ठीक तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता सिमिलरली हेयर यहाँ पे भी एडिशन हो रहा है दो इैशनल और एक रैशनल मल्टीप्लाई हो रहा है अगेन दिस विल गिव यू एन इेशनल आंसर सो ये भी नहीं हो सकता थर्ड में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो रहा है इफ़ यू रिमेंबर आपकी आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी आपसे क्या कहती है कि ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सेम आइडेंटिटी वी कैन यूज ह्योर सो अंडर रूट टू स्क्वायेर विल माइनस अंडर रूट थ्री स्क्वायर इट विल गिव यू टू माइनस थ्री सो द फाइनल आंसर इज माइनस वन एंड निगेटिव नंबर आर ऑल्सो राशनल नंबर सो इफ अ क्वेश्चन इज आस्किंग यू दैट विच नंबर इज नॉट इेशनल दैट ऑब्वियसली इफ कोई नंबर इेशनल नहीं है तो वो क्या होगा रैशनल होगा सो दिस ऑप्शन इज राइट अगेन मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल एंड इैशनल इज इशनल सो दिस इज ऑल्सो Wrong. तो आप तीन ऑप्शन इलिमिनेट करके भी यहाँ से थर्ड ऑप्शन को राइट कर सकते थे और प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इेशनल इज ऑब्वियसली यहाँ पे तो सब बिना ऑप्शंस देखे बता सकते हैं कि यस मैम अभी आपने बताया इसका आंसर हमेशा इेशनल होगा ओके okay? फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं हम रैशनल इराशनल बोथ ऑफ अबव नन ऑफ द अबव कोई भी नंबर रैशनल और इंटरशनल दोनों तो कभी हो ही नहीं सकता ठीक है सो so, ये ऑप्शन ये ऑप्शन सब ऑप्शन राइट right हो जाते हैं आपका राइट right आंसर है इराशनल ओके नाइनटीन द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ओके क्वेश्चन ने कह दिया ऑलवेज मतलब या तो रैशनल होंगे या इरेशनल और हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि दो नंबर इरेशनल हो या रैशनल के साथ इरेशनल के साथ कोई भी ऐसा नंबर मल्टीप्लाई होगा आंसर हमेशा इरेशनल होना है ओके okay? अच्छा यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इेशनल नंबर्स अगर ये क्वेश्चन ये कह देता टू सेम इेशनल नंबर्स तब क्या हम ये कह सकते हैं कि आंसर हमेशा इेशनल होगा ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों यहाँ पे हम कभी ये नहीं कह सकते अगर सेम इेशनल फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से समझते हैं अगर हम अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री ये अलग अलग तो इराशनल है बट अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका आंसर थ्री आएगा और थ्री इज आर रैशनल नंबर सो क्वेश्चन के स्टेटमेंट पर ध्यान देना जरूरी है अगर सेम कहता तो आंसर विल बी ऑलवेज रैशनल डिफरेंट कह रहा है तो इसका मतलब हमेशा इर्रैशनल डिफरेंट बिकॉज अंडर रूट थ्री से अंडर रूट फाइव मल्टीप्लाई करेंगे आपका एक इेशनल आंसर ही आएगा ओके सो लेट्स सी द आंसर्स रैशनल बोथ ऑफ ऑफ नन इनल सो द राइट आंसर इज इेशनल टू डिफरेंट इेशनल नंबर्स की बात हुई है क्लियर और सेम की बात होगी तो आंसर क्या हो जाएगा रैशनल नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंजीक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई अगर हमने कंजीक्यूटिव क्या होते हैं एक के बाद एक आने वाले नंबर तो अगर हमने तीन पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए जो एक के बाद एक आते हैं तो वो किससे डिवाइड हो जाएंगे लेट्स आंसर। सॉरी। ऑप्शन फर्स्ट इज फोर सेकेंड ऑप्शन से आंसर इज सिक्स थर्ड ऑप्शन से आंसर हैज नो कॉमन फैक्टर फोर्थ ऑप्शन से इज ओनली वन सिर्फ वन होगा ऐसा नंबर जो थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड के प्रोडक्ट को डिवाइड करता होगा अच्छा मैंने आपसे बताया जब भी क्वेश्चन आपको नंबर्स ना दे आपसे बोले आप एज्यूम करें तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं तो थ्री कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में हम एज्यूम कर लेते हैं तीन नंबर वन टू थ्री इनका क्या निकालना है प्रोडक्ट निकालना है सो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सिक्स ठीक है सो so, यहाँ से हमें मिल गया कि सिक्स को कौन डिवाइड कर सकता है सिक्स डिवाइड कर सकता है सो राइट ऑप्शन है सिक्स अब आप सोच रहे होंगे मैम अगर यहाँ पे वन टू थ्री ना हो तो क्या डिवाइड होगा सिक्स से चेक कर लेते हैं मान लीजिए हमने नंबर ले लिया टू थ्री फोर राइट सो टू थ्री फोर का मल्टीपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ट्वेंटी फोर क्या ट्वेंटी फोर सिक्स से डिवाइड नहीं होता होता है ओके बिकॉज टू थ्री टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स तो आ ही गया ना अब इसके बाद आप जितने भी नंबर लेते जाएंगे वो सिक्स के मल्टीपल ही होंगे सो so, हर पॉजिटिव इंटीजर थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट Amesha 6 a divisible. Clear? Okay. Yeah, let's see the option answer. So, yes, students, 3 is the right answer. Sorry, 6 is the right answer. Option number uh, 2 is right. Okay. So, next question is the largest number that will divide 398, 436, and 542, leaving remainder 7, 11, and 15 respectively is. क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन कह रहा है कि हमें किसी नंबर से डिवाइड करना है जैसे ही बात डिवीजन किया है स्टूडेंट्स आपको समझ जाना चाहिए यहाँ हमें एच फाइंड आउट करना है और जब डिवाइड करता है तो रिमाइंडर सेवन इस तरीके का क्वेश्चन हमने अभी दो तीन क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है क्या करेंगे हम रिमाइंडर को पहले ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमारे रिजल्टिंग नंबर्स होंगे हमें सिर्फ उसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा एक ऐसा नंबर जो उनको डिवाइड कर लेता हो ठीक है बिकॉज नवेंडर तो हमने पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिए होंगे ऑप्शन देख लेते हैं स्टूडेंट्स ऑप्शन है सेवनटीन इलेवन थर्टी फोर एंड फोर्टी फाइव सो जब आप डिवाइड माइनस कर लेंगे लाइक थ्री नाइन्टी एट से आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया थ्री नाइन्टी एट से आपने सब्ट्रैक्ट किया होगा सेवन को सो so, आंसर क्या बचेगा स्टूडेंट्स आंसर बचेगा थ्री नाइन्टी वन फोर थर्टी सिक्स से किसे सब्ट्रैक्ट करना है इलेवन को क्या आंसर बचेगा स्टूडेंट्स आंसर बचेगा फोर ट्वेंटी फाइव फाइव फोर्टी टू से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फिफ्टीन को क्या आंसर बचेगा स्टूडेंट्स सेवन टू एंड हेयर वी हैव फाइव सो अब अपने ऑप्शंस में से आप देखिए क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन्हें डिवाइड कर सकता हो स्टूडेंट देखिए फोर थर्टी फोर थर्टी फोर के टेबल में कभी भी इलेवन लास्ट में या सेवन तो आएगा नहीं वन या सेवन तो आने नहीं है सो so, ये ऑप्शन हमारे यहीं से एलिमिनेट हो गया फ़ाइव के टेबल में हमेशा बिकॉज यूनिट डिजिट देखिए फाइव है तो इसके आंसर में या तो जीरो आ सकता है या फाइव आ सकता है तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे यूनिट डिजिट में फाइव तीनों को डिवाइड कर रहा है तो खाली इस ऑप्शन को लेके तो हम इस ऑप्शन से चल नहीं सकते तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए अब आपके बचा आपके पास बचा एलेवन एंड सेवनटीन इलेवन से हम चेक कर लेते हैं क्या इलेवन से थर्टी थ्री नाइन्टी वन डिवाइड होगा नहीं होगा आप देखेंगे रिमाइंडर बचेगा इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता तो सिर्फ आपके पास राइट ऑप्शन क्या बचा बच्चा सेवनटीन तो ये हमने ट्रिक से सॉल्व कर लिया क्वेश्चन ठीक है अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं हम बैठ के एच निकालते हैं वो थोड़ा सा लंबा हो जाता तो ऐसे ही सॉल्व कर लिया हमने ओके एच सी द राइट ऑप्शन यस आंसर वन ऑप्शन वन इज द राइट ऑप्शन आप देख रहे हैं क्या निकाला है एच सी एफ निकाला है ओके तो यहाँ के बाद इस पोर्शन के बाद आप एच के लिए बेसिक मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं बट अगर आप इस एलिमिनेशन ट्रिक से करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा ओके नेक्स्ट देर आर थ्री हंड्रेड ट्वेल्व टू सिक्सटी एंड वन फिफ्टी सिक्स स्टूडेंट्स इन क्लास टेंथ इलेवन ट्वेल्थ बसेज आर टू बी हायर टू टेक दिस अ स्टूडेंट टू अ पिकनिक ओके सारे बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं डिफरेंट थ्री डिफरेंट क्लास से बच्चे जा रहे हैं बसेज को हायर किया गया है पिकनिक तक रीच करने के लिए कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सेट इन अ बस मतलब फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हू कैन सिट इना बस इफ ईच बस टेक्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट ठीक है कितने बच्चे जा सकते हैं अगर हर बस बराबर बच्चों को लेके जा रही है ओके, लेट्स सी द ऑप्शन फिफ्टी टू फिफ्टी सिक्स फोर्टी एट सिक्सटी थ्री मतलब बसेज आपको इतनी लेनी है कि हर बस में बराबर के बच्चे आ जाए और सारे बच्चे चले जाएं पिकनिक पे ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शंस पे अगर आप ध्यान दो बेटा तो ऑप्शंस आपके सारे दिए गए नंबर से स्मॉलर है और स्मॉलर आंसर हमारा एच के, के केस में ही आता है ठीक है तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे एच Okay, so HCF is 52, so 52 is right answer. Okay, ab i cannot अब every question because main aapko method मैं आपको hu बता सकती हूँ ki क्या था कि lijiye को समझ लीजिए कि आपको lcm nikalna hai निकालना है एल निकालना है आपको समझ में आ गया तो एच आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे आंसर शो करने से पहले आप वीडियो को पॉज करिए खुद से कैलकुलेट करिए और उसके बाद आप चेक करिए कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया ओके okay?

ठीक है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगी क्वेश्चन में कभी भी मीटिंग के बारे में पूछा जाए कि कितनी देर बाद सब दोबारा मिलेंगे चाहे ये चलने का क्वेश्चन हो लाइक like वॉक कर रहे हैं दो लोग या दो तीन बेल्स दे दी जाए कि कितनी देर बाद दोबारा बजेंगी या ऐसे कोई भी क्वेश्चन तो वहाँ पे आप याद रखिए वहाँ पे आपको एलसीएम ही फाइंड आउट करना है लाइक like डिवीज़न देखते ही हमें ये समझ में आ जाता है कि वहाँ पे एच निकालना है वैसे ही जब भी कभी मीटिंग पॉइंट की बात हो रही हो वहाँ पे आप ये समझ जाइए आपको यहाँ एल सी फाइंड आउट करना है ओके सो ट्वेल्व और एटीन का एल फाइंड आउट कर लीजिए फिर आप ऑप्शन से देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है एच सी दो ऑप्शन फर्स्ट इज थर्टी सिक्स सेकेंड इज एटीन थर्ड इज सिक्स एंड फोर्थ इज दे विल नॉट मीट ओके क्वेश्चन कह रहा है मिलेंगे ही नहीं सो आई थिंक ये ऑप्शन तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि वो कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो है ऑब्वियस सी बात है दो लोग अगर एक ही सर्कल में राउंड रौ, ले रहे हैं तो एट एनी पॉइंट दे विल मीट फॉर श्योर सो अब हमने क्या बोला कि आपको ये भी देखना है कि एलसीएम निकालना है तो एलसीएम तो वही होता है भाई जो टेबल में आता तो ट्वेल्व के टेबल में सिक्स नहीं आएगा एटीन के भी टेबल में सिक्स नहीं आएगा तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता इस पे अगर हम सेकेंड ऑप्शन पे जाए देखें तो एटीन के टेबल में एटीन तो आता है ट्वेल्व के टेबल में एटीन नहीं आता तो ये भी नहीं हो सकता तो आपके पास क्या बचा थर्टी सिक्स ओके सो आप फर्स्ट भी देख सकते हम फर्स्ट से भी स्टार्ट कर सकते थे अगर हम आपको ये कह देते बेटा फर्स्ट इज राइट तो आपके दिमाग में डाउट रहता क्या ये तीनों नहीं हो सकते तो पहले आप उन ऑप्शन को रिमूव करिए जो हो ही नहीं सकते देन आप अपने श्योर आंसर पे आइए ओके लेस दो आंसर इज गिवेन आंसर वन एलसीएम ऑफ एटीन एंड ट्वेल्व इज थर्टी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री फार्मर्स है जी फाइव एटी एट के जी एंड एट एटी टू के जी ऑफ बीट रेस्पेक्टिवली के फाइंड द मैक्सिमम कपैसिटी ऑफ अ बैग सो दैट द वीट कैन बी पैकड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग मैक्म कैपैसिटी बैग की निकालिए मीन्स आपको बैग में पैक करना है तो कितनी capacity का एक बैग होना चाहिए कि आप सारे वीट्स को पैक कर सको ऑप्शंस देख लेते हैं 98, 290, 200 एंड 350। ऑप्शंस देख के स्टूडेंट्स आपको क्या लग रहा है? सारे ही ऑप्शंस छोटे हैं इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम एच सी एफ को फाइंड आउट करेंगे so, कर देखिए मैं यहाँ पे आपको बेसिक मेथड से सॉल्व करने के क्वेश्चन की राय नहीं दे रही हूँ स्टूडेंट्स बिकॉज जब बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं उन्हें नहीं समझ में आता कि यहाँ पे आपको एच सी एफ निकालना है या एल सी एम निकालना है ओके okay? जिन जो स्टेटमेंट समझ सकते हैं फॉर देम इट इज गुड बट जिन्हें नहीं समझ में आता बिकॉज आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो जब हमारे पास एडवांटेज है कि हम अपने ऑप्शन से क्वेश्चन की एक्यूरेसी को चेक कर सकें कि हाँ हमें जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है वो यही होगा या नहीं तो हम उस एडवांटेज का फ़ायदा उठाएं आप अपने ऑप्शन से पता लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन में क्या सही निकल सकता है बहुत सारे बच्चे अगर इसमें ऑप्शन ना हुआ होता तो शायद एल निकालने बैठ जाते लास्ट में एल निकालने के बाद उन्हें समझ में आता कि अरे हम तो गलत कर रहे हैं राइट right? बट अगर आप ऑप्शन option देखो ऑप्शन आपको सारे अपने दिए गए नंबर से छोटे लग रहे हैं तो हाँ आपको टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है सीधे समझिए कि ऑप्शन छोटे हैं आंसर छोटा आएगा इसका मतलब हमें एच सी फाइंड आउट करना है क्लियर नेक्स्ट एच दिया गया है दो नंबर का ना दो नंबर कौन से हैं तो दो नंबर हैं सिक्सटीन एंड वाई एच दिया है एल दिया हुआ है ठीक है दोनों नंबर का पूछ रहे हैं वैल्यू ऑफ वाई निकालिए ठीक तो बहुत आसान है क्वेश्चन आपके पास ये फॉर्मूला तो पता ही आपको सॉरी एट इंटू फोर्टी एट नहीं एच सी एफ इंटू एल सी एम ए इंटू बी मींस नंबर टू ए आपका सिक्सटीन बी वाई एलसीएम है आपका फोर्टी एट और इधर आपका hcf है सिक्स यहाँ से आप अपनी वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं लेट्स सी दो ऑप्शन फर्स्ट इज 24 सेकेंड इज 16 थर्ड इज 8 एंड फोर्थ इज 48 जल्दी से सॉल्व करके फिर आप अपना फिर आंसर चेक कर लीजिए वीडियो को पॉज करिए सॉल्व करिए एंड देन आंसर चेक करिए द राइट आंसर इज 24 ओके दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिवाइड्स बी स्क्वायर ये हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि अगर टी बी स्क्वायर से डिवाइड हो जाता है तो टी किसको डिवाइड कर सकता है बी को भी डिवाइड करेगा लेट्स द ऑप्शन फर्स्ट इज टी डिवाइड्स बी पहला ही ऑप्शन हमें सही मिल गया है बट हम अपने बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं नेक्स्ट इज पी डी बी डिवाइड्स टी तो स्टूडेंट्स इन दो ऑप्शन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा जो पहला है वो पहले ही रहेगा लाइक टी पहले था तो टी पहले रहेगा ओके देन थर्ड इज टी स्क्वायर बी स्क्वायर डेफिनेटली रॉन्ग फोर्थ इज बी स्क्वायर डिवाइड टी स्क्वायर डेफिनेटली रॉन्ग ओके सो द फर्स्ट इज राइट ऑप्शन लेट्स सी द आंसर यस नेक्स्ट इज द नंबर पाई इज पाई कैसा नंबर है एक्सप्लेनेशन किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन के टाइम पे मैंने आपको बताया कि पाई कैसा नंबर होता है इरेशनल नंबर होता है लेट सी ऑप्शन है कि नहीं नेचुरल नंबर सेकंड इज रैशनल नंबर थर्ड इज़ इरेशनल नंबर फोर्थ इज़ रैशनल और इरेशनल नंबर सो पाई स्टूडेंट्स कैसा नंबर है पाई एक इरेशनल नंबर है सो so, आंख बंद करके इस पर टिक कर दीजिए लेट सी द राइट आंसर यस थ्री इज़ द राइट आंसर और यहाँ पे आप देखिए क्या एक्सप्लेनेशन दिया है थ्री पॉइंट वन फोर फाइव सो वन मीन्स इसकी वैल्यू चलती जाती है कभी खत्म नहीं होती तो ये कैसा नंबर है एक ये नॉन डोमिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है जिससे हम कहते हैं इर रैशनल नंबर सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट्स दैट विल गिव अस रिमाइंडर ऑफ फाइव बीन डिवाइडेड बाई एट एंड नाइन रिस्पेक्टिवली एट एंड नाइन से डिवाइड करना है फाइव डिजिट का एक ग्रेटेस्ट नंबर और रिमाइंडर फाइव आना चाहिए स्टूडेंट्स ओके सो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जब आपको डिवाइड करना हो किसी पर्टिकुलर दो नंबर से तो हमेशा याद रखिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बिकॉज अलग अलग तो आप कर नहीं सकते डिवाइड एट से करके देखें नाइन से करके बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा सो so, हम इनका एक कॉमन मल्टीपल ले लेते ले हैं और कॉमन मल्टीपल के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना होता है एलसीएम तो हमें क्या मिल गया एलसीएम सी एट और नाइन का एलसीएम हो जाएगा सेवेंटी टू क्यों मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर्स के जो एल्सीयम होते हैं वो उनके प्रोडक्ट होते हैं ओके okay? so यहाँ पे आप टाइम वेस्ट मत करिएगा अपना बेसिक मेथड एल्सीयम का निकाल के डायरेक्ट प्रोडक्ट करिए 72 आपका प्रोडक्ट आ गया अब हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है सो ऑप्शन फर्स्ट इज दिस सेकंड इज दिस थर्ड इज दिस एंड फोर्थ इज दिस ओके सो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है अब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है क्या आप इन सारे नंबर्स को 72 से डिवाइड करिए और जल्दी जल्दी से डिवाइड करके ये चेक करिए किस ऑप्शन में आपका फाइव रिमाइंडर आ रहा है जिसमें बचेगा वही ऑप्शन आपका राइट right हो जाएगा सो लेट्स सी द राइट आंसर द राइट आंसर इज 33 थ्री मीन्स जब आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे 72 से तो आपको रिमाइंडर मिलेगा फाइव जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है क्लियर लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशियो बिटवीन द एल सी एम एंड एच सी एफ ऑफ फाइव फिफ्टीन ट्वेंटी आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन क्या करना है एल सी एम निकाल लीजिए पहले तीनों का एच सी एफ निकाल लीजिए और उनका रेशियो ले लीजिए ठीक है ले दो ऑप्शन ऑप्शन आर नाइन रेशियो वन सेकेंड इज फोर रेशियो थ्री थर्ड इज एलेवन रेशियो वन फोर्थ इज ट्वेल्व रेशियो वन सो बेसिक मेथड इस्तेमाल करना है सॉल्व कर लीजिए उसके बाद अपने आंसर को चेक कर लीजिए आई विड शो यू द राइट आंसर इज फोर Means, जब आप LCM निकालेंगे HCM निकालेंगे उन्हें डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ट्वेल्व रेशियो वन नेक्स्ट क्वेश्चन टू अलार्म क्लॉक्स रिंग एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ फिफ्टी द फर्स्ट बीप टुगेदर एट ट्वेल्व नून पहली बार उन्होंने साथ में कब बीप किया मीन्स कब वो बजे ट्वेल्व नून पे बजे तो दोबारा कब बजेंगे स्टूडेंट्स तो ये वही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कभी भी मीटिंग पॉइंट की बात कर ली जाए या दोबारा कब एक साथ काम होगा वहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं एल सी एम तो आप फिफ्टी एंड फोर्टी एट का एल सी एम फाइंड आउट कर लीजिए आंसर विल बी इन सेकेंड्स ठीक है तो बारह बजे एक बार बज चुके हैं आप उन सेकेंड्स को इस बारह में एड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा बारह के बाद दोबारा वो कब बजेंगे ठीक है ऑप्शंस देख लेते हैं ट्वेल्व ट्वेंटी पी एम ट्वेल्व ट्वेल्व पी एम ट्वेल्व इलेवन पी एम नन ऑफ देश तो यहाँ पर ट्वेल्व ट्वेंटी का मतलब क्या है बारह के बाद कितने बजे दोबारा बज रहे हैं तो बीस मीन्स अगर आपका एल सी एम निकालने पर ट्वेंटी सेकेंड्स आता है तो ये ऑप्शन हो जाएगा ट्वेल्व सेकेंड्स आता है तो ये ऑप्शन हो जाएगा इलेवन सेकेंड्स आते हैं आपका एल सी एम तो ये ऑप्शन हो जाएगा राइट right? और अगर इनमें से कोई भी सेकेंड्स मार्च नहीं करता तो नन ऑफ देश क्लियर द सी इज राइट आंसर बता मैंने आपको दिया है कि कॉन्सेप्ट का क्या इस्तेमाल करना है एलसीएम निकालना है हमें निकालना पे सो द एल सी एम ऑफ फिफ्टी एंड ट्वेल्व हंड्रेड सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ट्वेंटी मिनट ट्वेंटी मिनट क्या मतलब है कि बारह के बाद बीस मिनट बाद दोबारा से ये लोग साथ में दोनों बीप करेंगे दोनों क्लॉक्स तो वो टाइमिंग क्या होगी आपकी ट्वेल्व ट्वेंटी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन टू नेचुरल नंबर्स हुज डिफरेंस इज 66 एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 360 दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 66 है और एलसीएम 360 इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने अभी किया था जिसमें सम की बात हो रही थी और हमने वहां कैसे निकाला था हमने ऑप्शन से निकाला था तो यहां पे सबसे पहले हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं फर्स्ट इज 120 एंड 54 सेकंड इज 90 एंड 24 थर्ड इज 180 एंड 114 फोर्थ इज 130 एंड 64 ठीक है सबसे पहले आप अपने ऑप्शन पर पे नजर डालिए कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस सिक्सटी सिक्स है क्या जिनका नहीं है हम उन्हें एलिमिनेट कर देंगे सो so यहाँ अगर हम चेक करें वन ट्वेंटी एंड फिफ्टी फोर का डिफरेंस लेते हैं येस इटव सिक्सटी सिक्स नाइन्टी एंड ट्वेंटी फोर का लेते हैं यहाँ भी सिक्सटी सिक्स आएगा तो ये भी पॉसिबिलिटी है वन एटी एंड वन हंड्रेड फोर्टीन का लेते हैं दिस विल ऑल्सो गिव यू सिक्सटी सिक्स यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं तो आपका यहाँ पे इसका मतलब इस तरीके से तो हमने चेक कर लिया सभी में सिक्सटी सिक्स आ रहा है कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है देन सेकेंड कंडीशन पर आइए कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल उनका थ्री सिक्सटी होना चाहिए यानी कि ऐसे नंबर हैं जिनकी टेबल में थ्री सिक्सटी आता है तो वन ट्वेंटी की टेबल में थ्री सिक्सटी आता है यस आता है कितने टाइम्स थ्री टाइम्स फिफ्टी फोर की टेबल में आता है क्या चेक कर लीजिए ठीक है क्या आएगा नहीं फिफ्टी फोर की टेबल में थ्री सिक्सटी नहीं आता है तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया सेकेंड नाइन्टी के टेबल में थ्री सिक्सटी येस आता है फोर टाइम्स ट्वेंटी फोर के टेबल में आता है क्या आता है आई थिंक डिवाइड करके देख लेते हैं ट्वेंटी फोर थ्री सिक्सटी हाउ मनी टाइम्स वन यू हैव वन ट्वेंटी एंड दस फिफ्टीन फिफ्टीन टाइम्स का मतलब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है जी हमारा राइट आंसर है नाइन्टी एंड ट्वेंटी फोर वो दो नंबर है जिनका डिफ्रेंस सिक्सटी सिक्स होगा और एल थ्री सिक्सटी होगा लेट्स आंसर राइट आंसर इज टू

कंडीशन ये है कि जिस सेक्शन में बॉयज़ है उसमें गर्ल्स नहीं होंगी जिस सेक्शन में गर्ल्स हैं उसमें बॉयज़ सेपरेट सेक्शंस बनेंगे ओके तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट कर ले कि हम एक सेक्शन में कितने बच्चे बैठा सकते हैं तभी तो हमें पता चलेगा कितने सेक्शन बनाने अगर हमने ये कैलकुलेट नहीं किया कि एक रूम में कितने बच्चे बैठाने हैं तो हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हमें कितने रूम की ज़रूरत है तो अगर आपको ये पता करना है ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सोचिए कि अगर हमें ये पता करना है कि एक रूम में कितने बच्चे तो टोटल से तो कम ही बच्चे बैठेंगे ना एक क्लास में किसी भी सेक्शन में टोटल से तो कम ही बच्चे बैठेंगे सो कम के लिए हमें क्या करना होता है एच निकालना होता है तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या निकाल लेंगे फाइव और फोर का एच सी एफ़ निकाल लेंगे ओके सो तो अब यहाँ पर वीडियो पॉज करिए सबसे पहले कैलकुलेट करिए क्या एच सी एफ़ आया मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ यहाँ पे एच आएगा सिक्सटी फोर अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन पे ऑप्शन देख लेते हैं अभी क्वेश्चन यहाँ पे फर्दर सॉल्व करना है हमें क्यों क्योंकि सिक्सटी फोर तो सिर्फ हमें यह बता रहा है कि एक सेक्शन में इतना बच्चा बैठ सकता है अगर हमें टोटल सेक्शन निकालना है तो हमें क्या करने पड़ेंगे एवरीबडी नोज हमें डिवाइड करना पड़ेगा ऑप्शन देख लेते हैं ट्वेंटी टू सिक्सटीन थर्टी सिक्स ट्वेंटी वन अब आपका सिक्सटी फोर एच सी एफ आया तो आप ये तो समझ गए ना कि यहाँ में से तो कोई आंसर राइट right नहीं हो सकता मतलब अभी क्वेश्चन में कुछ और निकालना बाकी है ठीक तो हमें क्या करना पड़ेगा बॉयज़ के लिए कितने सेक्शन बनाने हैं ये हम टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ को सिक्सटी फोर से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं ठीक है और गर्ल्स के लिए कितने सेक्शन बनाने हैं ये हम फोर फोर्टी एट से सिक्सटी फोर से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं ठीक है अब आप इसे चेक कर लीजिए और टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस क्या बनेंगे ये हम देख लेते हैं अपने आंसर से सो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन आपके डिवाइड करने के बाद क्या बन रहे हैं सिक्सटीन ओके आई होप स्टूडेंट्स जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं वो सब आपको समझ में आए होंगे आपको ये समझ में आया होगा कि कुछ क्वेश्चन में जरूरत नहीं है बेसिक मेथड को इस्तेमाल करने की कुछ क्वेश्चन को हमें ट्रिक से ही सॉल्व करना है अदरवाइज नाइन्टी मिनट्स हमारे पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए लेस हो जाएंगे ओके okay, कम पढ़ेंगे हमें सॉल्व करने के लिए सो so, कोशिश करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ प्रोवाइड की गई है उस पीडीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व करिए अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए जहाँ बेसिक मेथड की रिक्वायरमेंट है वहाँ बेसिक से करिए जहाँ ट्रिक की रिक्वायरमेंट हैं वहाँ अपनी एलिमिनेशन ट्रिक को अप्लाई करिए एंड आई होप यू लाइक द सेशन यू इंजॉयड द सेशन सो इफ यू इंजॉयड दिस सेशन प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल टू रिसीव लेटेस्ट अपडेट्स ऑन टाइम हिट द बेल आइकन Thank you and have a nice day.